इसी पर बात करें, देखिए हमारा जो धार्मिकता है, हमारी जो नेचर है, कितने सारे पौधों से भरा हुआ है, और उनका उनका उल्लेख भी आपको इन के माध्यम से मिलता है कि कौन से रिलीजियस प्लांट्स हैं। अगर हम उत्तराखंड की बात करें ना, तो उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, लैंड ऑफ गॉड कहते हैं, जिसमें गढ़वाल कुमाऊं जैसे कमिश्नरी, बड़ी कमिश्नरी आती है। और हम यहाँ पर क्यों कहते हैं हम गंगा, क्योंकि यहाँ से गंगा निकलती, यहाँ से सरस्वती निकलती, यहाँ से गौरी काली बड़ी नदियां निकलती हैं, यहाँ से जो जो फीडबैक बनाती है, जो फीडबैक बनाती है, जो हिंदुस्तान, गंगा का मतलब अपने आप में आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की संस्कृति का द्योतक है गंगा, माँ गंगा। तो ये इसीलिए लैंड ऑफ गॉड है, और लैंड ऑफ गॉड है तो अब हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ गई। जब भगवान की बात कर रहे हैं तो धार्मिकता की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो उत्तराखंड में चाहे हरिद्वार से बात कर लें, तो कहीं भी आपको हवन करना होता तो आपको क्या चाहिए, हर्बल इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है, वो भी आपको यहाँ मिलते हैं। इसके अलावा कोई भी हमारा व्रत त्योहार, पाठ पूजा होती है, या पितृ जो हमारे श्राद्ध होते हैं, या हम अंतिम संस्कार करते हैं, तो उन संस्कारों में आप देखते ना हर इश्यूज पर हर अलग अलग सामग्री का इस्तेमाल होता है, और यही हमारा कल्चर है। देखिए ये कल्चर, ये हमको दिखाता है कि हम उनके बिना अधूरे हैं। कुश की बात करते हैं ना, सकेरा मुंजा, तो उस कुश की बात करते हैं तो कुश पिंडदान के काम आता है, और वही जीवन का सत्य भी है। देखे, और वो बांस जिसको हम निश्चित रूप से जलाते नहीं है, जिस बांस को इतना पवित्र माना गया है कि हिंदू धर्म के अनुसार अंतिम यात्रा उसी में सुनिश्चित की जाती है, और उसको जलाया नहीं जाता। देखिए इसलिए आपने देखा हो ना कि तमाम इश्यूज आ रहे हैं कि अगरबत्ती में बांस की डंडी लगी हुई है इसलिए अगरबत्ती नहीं जलाएंगे, तो क्योंकि अगरबत्ती को जो बांस है जिसको बंबूसा हम कहते हैं वो पवित्र माना गया है, उसकी पवित्रता इस बार से, हालांकि दिस इज ऑल्सो नोन एज द पुअर टिम्बर, पुअर मैंस टिम्बर है ये झोपड़ियां बनाने में, हट बनाने में बड़ा कारगर है, मैट बनाने में बड़ा कारगर, लेकिन तब भी जो हिंदू हमारी मान्यता है उसमें उसको जलाना उसको जलाने से इनकार किया गया है, उसकी जलाने की भूमिका नहीं है। इसके अलावा देखिए आम जिसको हम मैंगीफेरा इंडिका कहते हैं, ये एनाकार्डेसी फैमिली का, और ये देखिए रिलीजियस है। कोई नए घर का निर्माण होता है तो मैंगो की पत्तियां लगाई जाती हैं, कोई शादी होती है तो शादी में जब मंडप बनता है ना तो उसमें मैंगो की पत्तियां लगाई जाती थी। तो ये जैसे पीपल की पत्तियां ना, उसी तरह से ये भी इस्तेमाल की जाती है, बेड़ू की पत्तियां श्राद्धों में इस्तेमाल की जाती है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा हवन कुंड में भी आम की पत्तियां इस्तेमाल की जाती है। पाती जो है आर्टिमीजिया नीलगारिका है, पाटी आर्टिमीजिया एनुआ भी जिसको हम कह सकते हैं, वो ये जो है ये इसका जो आपने देखा होगा कि लोकल इंसेंसेस बनाने में काम आता है, नंदा देवी का आसन है ये जो आर्टिमीजिया कहते हैं हम जिसको। इसके अलावा सरसों बेसिका कैंपस्ट्रीज, जो हम दिया जलाते हैं ना, आजकल तेल का भी दिया जला रहे हैं, लेकिन जो हमारा दिया जलाने का जो दिया सबसे ज्ञान का प्रकाश जो देता है, दिया दीप ज्योति नमस्तुते कहते हैं ना हम, तो वो सरसों के तेल से ही बनाया जाता है। इसके अलावा देखिये विघ्ना मुंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये रिलीजियस प्लांट है, किसी को झस्का लगता है कहते ना, डर लगती है, तो उसको क्या करते हैं, उसको मूंग की दाल परख कर डाल देते हैं, तो काली दाल का जो मिश्रण है खिचड़ी भी बनाई जाती है, इसे खिचड़ी भी दान करी जाती है। देखिए इसको, तो ये शनि देव को प्रसन्न करने में भी इस्तेमाल होती है, जो विघ्ना मुंगा है जिसको मांस कहते हैं। इसके अलावा अखरोट, देखिए अखरोट जो है वो पंचमेवा के रूप में इस्तेमाल की जाती है रिलीजियस सेरेमनी में। इसके अलावा तिमला तो बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने अभी बताया श्राद्ध में, या जो हमारे संस्कार है अंतिम संस्कार जिसमें हम शामिल होता है फाइकस ऑरिकुलेटा, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण पत्तियां हैं, तिमिल की पत्तियां बहुत बड़ी सी होती है। पीपल तो आपको पता ही, हिंदू धर्म के अनुसार 12वें दिन पीपल होता है, और पीपल पर जल चढ़ाने से शुद्धता होती है, पीपल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला प्लांट भी है, तो होल ट्री इसका इंपॉर्टेंट है। ये पंच पालव के बीज को कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा केला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि केला जो मूजा पैराडिसिका है, मूजा बाल्बिसियाना है, ये केले की बहुत रिलीजियस एक्टिविटीज हैं, ये कथा वर्शिप में सत्यनारायण जी की कथा में केले का ही प्रसाद बढ़ता है, ये केला बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा तिल, देखिए तिल के बिना तो कोई काम नहीं होता ना, तिल को हवन में डालते हैं, तिल के तिल पात्र जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी एक संस्कारों में शामिल है, सीजमम ओरिएंटल इसका नाम है। ये तिल जो रिलीजियस सेरेमनी में हवन में, और इसको जौ के साथ मिला के डालते हैं, घी धूप के साथ मिश्रण मिलकर बनाते हैं इसका, और ये 12वीं दिन में भी तिल का पात्र दिया जाता है। चीड़ जो है वो देखिए हवन सामग्री के रूप में जो लकड़ियां इस्तेमाल होती हैं, इसके अलावा ये छिलकों के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं, रात को अगर आपके पास टॉर्च नहीं है तो गाँव में अभी भी, क्योंकि इसमें रेजिन होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, पाइनस रॉक्सबर्गाई का, जिसको हम चीड़ कहते हैं। इसके अलावा गेहूं जो है
वो पूड़ी बनाने के काम में आता है। इसके साथ एक पूड़ी हलवा का प्रसाद होता है ना, पूड़ी हलवा का प्रसाद जो है वो गेहूं के बिना संभव ही नहीं है, उसको आप बना ही नहीं सकते हैं। इसके अलावा जौ, हॉडियम बुलगैर है, जौ भी हर रिलीजियस सेरेमनी में जौ का काम होता है। हवन से लेकर वर्शिप से लेकर जो सोशल कस्टम्स हैं उसमें भी जौ, जौ को सर में रखने से आशीर्वाद मिलता है। धान को देखिए, और राज्य सटावा जिससे हम चावल, जैसे आज मैंने बात करी थी फूलदेही की बात करी थी। इसके अलावा दुर्वा, दुर्वा तो गणेश जी को सबसे पहले तो दुर्वा गणेश जी को चढ़ाया जाता है। तो दुर्वा के, दुर्वा जैसे हो जाना कहते हैं ना, दुर्वा जैसे बढ़ जाना, तो उसकी ग्रोथ को इतना फास्ट माना गया है जिसको हम साइनोडॉन डेक्टाइलोडॉन कहते हैं। ये इविल के अगेंस्ट में प्रोटेक्टर है, और ये इसीलिए प्रे की जाती है कि इसकी तरह से आप जो जिस तरह से ये बढ़ता है उसी तरह से आप बढ़े, और हर तरह की पूजा में जो ये इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा देखिए, हम और भी हमारे पौधे हैं, जैसे तुलसी है, देखिए उसकी लीव्स इस्तेमाल होती है, हम कोल्ड और कप में इस्तेमाल करते हैं। जामुन की बार्क इस्तेमाल करते हैं सोर थ्रोट अस्थमा में करते हैं। नीम के स्किन डिजीज एंटीसेप्टिक राउवल्फिया को रूट इस्तेमाल करते हैं हम। देखिए सिंकोना की बार्क करते हैं, अश्वगंधा जिसको लगातार हमने इसमें इस्तेमाल किया था ड्यूरिंग द कोविड काल, जिसने हमने इस्तेमाल किया था। आंवला बड़ा सोर्स है, देखिए आंवला भी बड़ा सोर्स है, उस आंवले को भी हम इस्तेमाल करते हैं, और वो हमारे लिए कारगर भी हुआ है। आंवला विटामिन सी का सोर्स है, अचार से लेके मुरब्बा तक मिलता है इसका। इसके अलावा वासाका है, इसबगोल है, जिंगर है, जिंगर तो बहुत कारगर है। देखिए जिंगर जो है वो इसलिए भी कारगर है कि हम उससे जो हमारे फायदे होते हैं वो हमको मिलते हैं। इसमें आपने ये भी देखा होगा कि हमको ये लाभप्रद जो सामान है वो इससे मिलता है। इसके अलावा कुछ हमारे डेली यूजेज के सामान है उनका बहुत ज्यादा लेकिन आप देखते हैं कि जो जो भी वस्त्र हैं कॉटन के जो बने हैं वो भी हमें उसी से मिलते हैं, पौधों से ही मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस दिखा रहा है कि हम चाहे कहने में कह ले हम सुपीरियर हैं, लेकिन उनके बिना हमारा जीवन नहीं है। हम जब मकान बनाते हैं तो क्या नैनीताल जैसे में मकान बनाते हैं तो कहते हैं साहब सीलिंग होगी, सीलिंग होगी तो किस लकड़ी की होगी। ये भी हमको सुनिश्चित करना होता है कि हम कैसे इस बात को पूरा कर पाएंगे, ये भी देखिए। इसके अलावा अतीस है हमारे पास, एक्यूनेटम एट्रोफिल्लम जिसकी जिससे दवा बनाई जाती है। थुनेर है जिसको हम टेक्सस बकाटा कहते हैं। सतुआ है, पेरिस पॉलीफाइलिया है, बन अजवाइन है, देखिए थाइमस सरफाइलम है, अग्नि अग्नि जिसको हम कहते हैं, पिटोस्पोरम इरियोकार्पम, ये ब्रोंकाइटिस रूमेटिज्म की दवा बनाने में काम आता है। लागली है, ग्लोरियोसा सुपरबा है, ये भी दवा के काम आता है, ये पाचन को, और जो हमारे कीड़े होते हैं नीम का जैसे इस्तेमाल करते हैं, नीम का काढ़ा क्या है आपके पेट के कीड़ों को भी निकाल देता है। इसके अलावा देखिए भोजपत्र है, भोजपत्र जिसको हम बिटुला यूटिलिस कहते हैं। इसका क्या महत्व है, क्योंकि न केवल ये मेडिसिनल प्लांट है बल्कि ये वुंड में, डिसेंट्री में, ज्वाइंट में, कफ में भी इस्तेमाल होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इस्तेमाल क्या है कि ऋषि मुनियों ने इसमें लिखना शुरू करा था, और ये कागज का काम होता था, कागज का काम करता था। और आज यूकेलिप्टस और जो हमारे अन्य इसके साथ के पौधे हैं, पेड़ हैं, उनका इस्तेमाल पेपर बनाने में हो रहा, पेपर इंडस्ट्री में। चुक 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 आपने देखा होगा, चुक का ड्रॉप जैसे कटता है चुक लगा देते हैं ये वुंड, और उसके लिए बड़ा कारगर है। अल्सर कोल्ड और डेंड्रॉफ में भी इस्तेमाल होता है। हिपोपी सेलिसिफोलिया है ये। इसके अलावा देखिए रागा, रागा भी जो है वो एबीज स्पेक्टेबिलिस है, ये अस्थमा ब्रोंकाइटिस और रूमेटिज्म में काम में आता है। थ्यूनेर को देखिए, थ्यूनेर जो है अस्थमा ब्रोंकाइटिस कफ इंडाइजेशन और डायरिया में काम आता है। अब हम बात कर रहे हैं ना मेडिसिनल प्लांट की, बात कर रहे हैं, देखिए मेडिसिनल प्लांट की 7% की पर ईयर ग्रोथ है, यानी कि 2050 में $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है वो मेडिसिनल प्लांट की होगी। हिंदुस्तान की बात करें तो 7500 मेडिसिनल प्लांट है। अगर हम इंडियन हिमालयन रीजन की बात करें तो 1748 मेडिसिनल प्लांट यहाँ से रिकॉग्नाइज किए गए हैं, और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो 701 मेडिसिनल प्लांट हैं जो उत्तराखंड में होते हैं। उत्तराखंड में 250 ऐसे मेडिसिनल प्लांट हैं जो ट्रेड में ट्रेड में है। और यदि मैं बात करूं ना कि 242 मेडिसिनल प्लांट ऐसे जो हाई एनुअल ट्रेड में है, इसमें से जो 80% जो इनकी भागीदारी है मेडिसिनल प्लांट की वो जंगल से आते हैं आज भी, तो जंगल को बचाना प्रायोरिटी है। देखिए 80% आता है, 20% भाग केवल कल्टीवेशन में है। तो 242 में से देखिए फॉरेस्ट से 114 आती है, वेस्टलैंड से 59, कल्टीवेशन से 54, इम्पोर्ट से 15 स्पीसीज आती हैं, और लगभग लगभग 72%, मैंने कहा ना 70 से 80% जो है वाइल्ड से आते हैं, तो 72% जो है इनकी पूर्ति जंगल से की जाती है, और बाकी का जो है वो अंडर कल्टीवेशन है।
इसमें भी बहुत बड़े बड़े ऐसे पौधे हैं ना जिनको हम डेली इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखिए ना 2005 और 6 में जो हमारा कल्टीवेशन मेथड था वो 20% था, तो 14-15 में उसको बढ़ाने की कोशिश की, 40% तक लाने की कोशिश की, लेकिन उस टारगेट को पूरा नहीं कर पाए। 2014-15 में आप देखिए 12 ऐसे मेडिसिनल प्लांट है, इनमें से कई सारे को आप जानते हैं, इसबगोल है, हीना है, सीना है, मेंता है, तुलसी है, अश्वगंधा कोविड काल में बहुत सारी कारगर हुई, एलोए है, पिपली है, पिपली बच्चे जब दूध पीते हैं तो पिपली को भी उबालकर पिलाया जाता है, पीपल मूल है, बच है, आर्टिमीजिया है, विटिवेरा है, कुथ है, तो ये तमाम ऐसे पौधे हैं जिनका जिनको कल्टीवेशन में लाया गया है। ज्यादा से ज्यादा 2,02,000 हेक्टेयर लैंड में इनको उगाया जा रहा है। इसी तरह से जो 30 मदर स्पीसीज हैं जो 5,000 हेक्टेयर एरिया में रिकॉर्ड करी गई है, तो ये भी इसमें ग्रो करी जा रही है। देखिए ये दिखा रहा है सब गोल, कुमारी, सोनपत्ता, अश्वगंधा, पिपली, मूल और तुलसी में कितनी आवश्यकता है, 3,000 मीट्रिक टन से ज्यादा की आवश्यकता है प्लांटोगो यानी कि सब गोल की, एलोवेरा की 10,000 से ज्यादा, 30,000 माफ कीजिएगा, सब गोल की 30,000 मीट्रिक टन से ज्यादा की आवश्यकता है, डिमांड में है। एलोवेरा की बात करें जिसको स्वामी रामदेव जी ने भी बहुत इस पौधे की बात, इसकी विचित्रता को आप हम सबके बीच में रखा, उसको प्रोपगेट किया, तो 10,000 प्लांट्स ऐसे, 10,000 मीट्रिक टन जो हमारे है इसकी एलोवेरा की डिमांड है। इसके अलावा देखिए पिपली की बात करें तो 2,000 से 5,000 मीट्रिक टन की आवश्यकता है। इसके अलावा तुलसी की देखें 2,000 से 5,000 मीट्रिक टन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जब हम बात कर रहे हैं ना पौधों की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा जो धार्मिक पक्ष है ना वो बड़ा मजबूत पक्ष है। वो मजबूत पक्ष इसलिए है क्योंकि वो नेचर के साथ हमको न केवल अवगत कराता है बल्कि उसकी खूबसूरती के साथ साथ हमारे शरीर को भी निरोगी बनाने में कारगर सिद्ध हुआ है। जैसा उदाहरण देता हूं अश्विनी कुमार जी, अश्विनी कुमार जी ने ऋषि चवन साहब जो जिनका शरीर बूढ़ा हो गया था, जिनका शरीर एजिंग फैक्टर में बूढ़ा हो गया था उन पर वो, और जब वो अश्विनी कुमार जी से मिले तो उन्होंने कहा कि मैं अपने शरीर को रिजुबिनेट करना चाहता हूँ, उसको युवा अवस्था प्राप्त करना चाहता हूँ। तो अश्विनी कुमार जी ने उनको बताया कि जो योग और जो हमारे मेडिसिनल प्लांट है इन दोनों की के जोड़ से आप अपने शरीर की युवा अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो अष्टवर्गा प्लांट यानी कि 8 विशेष प्रकार के पौधे जिनका जिनकी इतनी इंट्रिंसिक वैल्यू थी, जितनी महत्वपूर्ण वैल्यू थी, उसे वो इस्तेमाल में लाए ऋषि चवन, और साथ में उन्होंने योग किया, और जब दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन बैठा तो ऋषि चवन साहब जो है वो अपनी युवावस्था को प्राप्त हो गए, और युवावस्था को प्राप्त हो गए तो उन्हीं के नाम पर क्या बन गया, च्यवनप्राश बन गया। देखें तो च्यवनप्राश का मेन इंग्रेडिएंट्स कौन सा, अष्टवर्गा प्लांट, ये महत्वपूर्ण प्लांट जो है वो बने और ये अष्टवर्गा के ग्रुप में आ गए। अष्टवर्गा के सारे प्लांट जो है हिमालय रीजन में पाए जाते हैं, पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड में भी ये मिलते हैं, लेकिन इनके जो स्टेटस है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में भी कई सारे इसमें से एंडेंजर्ड आते हैं। तो ये ऋषि चवन और अश्विनी कुमार का कॉम्बिनेशन, उनका चमत्कार जो हमारे पक्ष को दिखाता है, और ऋषि चवन के नाम से क्या बन गया, च्यवनप्राश बन गया। तो इसके जो 8 घटक हैं, जो 8 महत्वपूर्ण घटक हैं, वो जीवक है जिसको हम मेलेक्सिस एक्यूमिनेटा कहते हैं, लेकिन ये जो है एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है और 1400 से 2200 मीटर की हाइट पर होता है, लेकिन अब ये एंडेंजर्ड है तो इसका विधारी खंड जिसको हम प्यूरेरिया कहते हैं वो सब्स्टिट्यूट के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा रिजबाक मेलेक्सिस मस्टिफेरा है, ये स्यूडोबल्स इसके इस्तेमाल होते हैं, ये भी एंडेंजर्ड है, लेकिन एंडेंजर्ड है का मतलब नियरली टू एक्सटिंक्ट यानी कि समाप्ति की तरफ है, कैटेगराइजेशन में है, तो विदारी खंड प्यूरेरिया इसकी जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो आप उस जो सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल करा उसमें ओरिजिनल गुण तो नहीं है जो ऋषि चवन साहब ने जिसका चमत्कार हम सबके सामने प्रस्तुत किया। तो ये तीसरा पौधा है मेदा जो है वो पॉलिगोनेटम वर्टिसिलेटम है, ये राइजोम वुलनरेबल प्लांट है, ये एंडेंजर्ड से ऊपर है, थोड़ा सा प्लस है लेकिन वुलनरेबल है, इसका भी एस्परेगस रेसिमोसस जो है वो सब्स्टिट्यूट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और अगला है महामेदा पॉलिगोनेटम सेरिफोलियम, ये वुलनरेबल है, ये भी 1800 से 3000 मीटर के हाइट पर मिलता है, एस्परेगस रेसिमोसस जो है वो सब्स्टिट्यूट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। फ्रिटिलेरिया रॉयलाय ककोली का जो है बल्ब इस्तेमाल होता है, एंडेंजर्ड है, रॉस्कोइया परपूरिया इसका सब्स्टिट्यूट है, देखिए सबका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। क्रिस्का कोली लिलियम पॉलीफिल्लम छठा प्लांट देखिए, अच्छा 2800 से 4000 मीटर के हाइट पर होता है, एंडेंजर्ड है, इसकी जगह विथानिया सिम्निफेरा अश्वगंधा सफेद मुसली क्लोरोफाइटम जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्लोरोफाइटम तो आप खुद ही वल्नरेबल है।
तो फिर इस्तेमाल किस कौन होगा, अश्वगंधा ही होगा। तो अश्वगंधा देखिए जिसने हमारी स्ट्रेंथ को कोविड काल में भी रखा, अब सब्स्टिट्यूट का काम भी कर रही है क्रिस्का कोहली का। इसके अलावा रिद्धि देखिए, रिद्धि जो है ऑर्किड है, 1500 से 2000 मीटर की हाइट पर मिलती है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में, इसकी जगह बाला साइडा कॉर्डिफोलिया का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा वृद्धि देखिए, वृद्धि जो है हेबेनेरिया एजवर्दाई है, ये भी आपका ऑर्किड है और ये एंडेंजर्ड है, तो इसकी जगह क्या कहते हैं सालम पंजा भी आप वल्नरेबल में है, लगभग ऑलमोस्ट एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गया है, डेक्टाइलो राजा हत्ता जड़ी। और महाबाला साइडा एक्विटा, इसकी जगह इस्तेमाल किया जाता है एज ए सब्स्टिट्यूट, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आठ पौधों की खासियत देखिए, लेकिन आठ पौधों में जब आपने देखा तो इसमें से देखिए आप 1 2 3 4 5 पौधे तो एंडेंजर्ड हैं और बाकी जो है वल्नरेबल हैं, तो यानी कि वो एंडेंजर्ड में जाने के लिए तैयार है। यानी इतना दोहन हमने कर दिया इस प्रकृति की विरासत का कि जो ऋषि चमन साहब का चमत्कार था वो आज हमको नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि वो पौधे खत्म हो गए। अब हमने उसकी जगह सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल करने शुरू किए, लेकिन सब्स्टिट्यूट का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो उससे काफी कम है, ठीक है। तो चाहे जीवक एंडेंजर्ड है, देखकर इस बाघ एंडेंजर्ड है, मेधा वल्नरेबल है, महामेधा वल्नरेबल है, कपोली एंडेंजर्ड है, क्रिस्का कोहली एंडेंजर्ड है, रिद्धि वल्नरेबल है और वृद्धि एंडेंजर्ड है। तो ये इस बात को दिखा रहा है कि हमने प्रकृति का दोहन देके अनलिमिटेड किया। और जब ऋषि चवन का हमने उदाहरण शुरू किया था ना, अश्विनी कुमार और ऋषि चवन जी से बात करी थी, उन्होंने अपने पूर्वावस्था को यानी कि युवावस्था को प्राप्त कर लिया था, वो हम करने में कारगर नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब जो चुनौती है वो प्लांट्स का मिलने पर चुनौती है, वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, आउट ऑफ 8 5 आर एंडेंजर्ड 1। तो ये अब हम सवाल फिर वही आया, इथिकल वैल्यूज हमारे पास नहीं है, हमारे पास इथिकल वैल्यूज नहीं है तो हम ऐसे महत्वपूर्ण पौधों को भी खो दे रहे हैं। देखिए तो हम भाई जंगल में आग लग जा रही, उसमें मैन मेड ही सबसे बड़ा काम है, हम इतना सारा एक्सप्लॉइट कर दे रहे कि वो कॉमन थे तो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गए। हमारे पास कोई साइंटिफिक मेथड है ही नहीं कल्टीवेशन की, और ना ही हमारे पास कोई ऐसी मेथड है कि हम उसको डिस्ट्रक्टिव पैटर्न में जो एक्सट्रक्शन हो रहा है उसको रोक सके। हम इतना ग्रेजिंग करा दे रहे हैं अपने जानवरों से, इसके अलावा हम इलीगल ट्रेडिंग में है। कॉर्डिसेप का आपको उदाहरण है, जिसको गुच्छा जड़ी कहते हैं, जो आपके धारचूला और इस क्षेत्र में उच्च हिमालय रीजन में आपको मिलती है, क्योंकि हिंदुस्तान में उसका दाम कम है और नेपाल में उसका दाम ज्यादा है, तो इसलिए भी इलीगल ट्रेडिंग हो रही है उसकी, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको लैक ऑफ एग्रो टेक्नोलॉजी हमारे पास है ही नहीं, एग्रो तो हम सीरियस अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं उसको कल्टीवेशन करने का। हमारे पास जब हम ये नहीं कर पा रहे तो हमारा पॉलिनेटर नहीं है, पॉलिनेशन नहीं होगा तो स्पीसीज की वृद्धि कैसे होगी, उसके इंडिविजुअल्स की वृद्धि कैसे होगी। और दूसरा जो हमारा जो हैबिटेट है वो हमने हैबिटेट लॉस कर दिया, तो सिंकिंग ऑफ नेचुरल हैबिटेट भी एक बड़ा कारण है। और हमने दूसरा जिस तरह से मांग बढ़ी है, अब हम कह रहे हैं ना सब्स्टिट्यूट की बात कर रहे थे, जितने भी एंडेंजर्ड थे सबके सब्स्टिट्यूट, लेकिन सब्स्टिट्यूट का रिलेशनशिप नहीं है, सब्स्टिट्यूट का भी क्या कंट्रीब्यूशन हो रहा है, ये भी एक बड़ी चुनौती है। अगला सवाल जो है वो है जो हमारा जलवायु परिवर्तन है या ग्लोबल वार्मिंग है, ये भी एक इंपैक्ट है जिससे स्पीसीज की कैटेगरी में अंतर आ रहा है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर वो इन तमाम कैटेगराइजेशन को दे रहा है ताकि हम सब सचेत रहें। और हमारा जो ये प्रिविलेज है ना, जो हमने बात तो आसानी से कह दी ऋषि चवन, लेकिन उनका जो चमत्कार था उस पर हमने बात नहीं करी, उसको बचाने के लिए वो हेरिटेज जो है जो अश्विनी कुमार ने हम सबके सामने रखा, क्या हम उसकी तरफ सेंसिटिव हैं, हमारा मॉरल वैल्यू क्या कहता है, हम इसकी तरफ कैसे कारगर होंगे, इनसीटू मेथड में जाएं या एक्सीटू मेथड में जाएं कंजर्वेशन की। एक्सीटू मतलब उसको लाकर लैब में बनाएं और फिर वापस रीइंट्रोड्यूस करें या दूसरी जगह लगाएं, या इनसीटू उसी जहां पर वो हो रहा है उसको वहीं बचाने का प्रयास करें। तो ये मेथड्स हमको निश्चित रूप से कारगर करनी होंगी ताकि हम अपनी इथिकल वैल्यूज के साथ साथ अपने जो सिस्टम है, जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, जो जगत है, उस जगत के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध कर सकें। इसके अलावा देखिए कई ऐसे और महत्वपूर्ण पौधे हैं जो उत्तराखंड के तराई रीजन में मिलते हैं, जैसे राती है, रात्रि एब्रस जिसको हम कहते हैं प्रिकेटोरियस, खेर है, खैर एकेसिया कैटेचू, अपामर्गा एकेरेंथस है, बेल सब इंट्रोड्यूस है, बेलपत्र शिव जी को प्रिय है ना, 3 पत्ती जिसमें होती है, और बेल का जूस, बेल का रस, सब चीज यहाँ पे पीते हैं, बेल का मुरब्बा भी होता है। तो एजेल मार्मिलोस है, बेल जिसको हम कहते हैं, ये भी एक बड़ा रिलीजियस प्लांट भी है और मेडिसिनल भी है। सतावर देखिए, एस्परेगस आपका है, नीम आपका मेडिसिनल प्लांट है, कीड़े निकालने से लेकर बहुत सारा काम करता है। दांती जो है बेलियोस्पर्मम है, ये भी मेडिसिनल प्लांट है। सतावर जो है वो इसके अलावा पुनर्नवा देखिए, पुनर्नवा बोराविया है। इसके अलावा मंडा जो कैलोट्रॉपिस है, कुंभ जो है
वो है आपका कैरेवा, आपका कुंभ, अमलतास, काजिया पिस्टूला बहुत कॉमन है, नीचे तराई के रीजन्स में आप देख सकते हैं, हल्द्वानी में भी आपको मिल जाएगा, भरंगी है, क्लोरोडेंड्रॉन है, सल्फर्णी जो है वो डेस्मोडियम है, भृंगराज जो है वो इक्लिप्टा है, तो इसके अलावा कुटाजा जो है हेलोरहिना है, वासा जो है जस्टिसिया एडाथोडा है, सोनाक जो है ओरोजालम इंडिकम, ओरोजालम इंडिकम जिसको हम सोनाक कहते हैं, ये भी बड़ा मेडिसिनल प्लांट है। इसके अलावा एक वाइटेक्स निगंडो है जिसको हम सेवई कहते हैं, जिस जो दर्द में कपूर के साथ तेल बन लगा के बनाते हैं ना, बहुत कारगर है। इसके अलावा ये माइग्रेन में भी बड़ा कारगर है, माइग्रेन के जिनको दर्द होता है उनमें कान में रस डालते हैं वाइटेक्स निगंडो का, जिसको हम सेवई कहते हैं। तो ये इसके अलावा सर्पगंधा, रावल्फिया, अर्जुन की छाल बड़ी महत्वपूर्ण है, टर्मिनेलिया अर्जुना, बहेड़ा टर्मिनेलिया बेरेलेशिया, और हरड़ जो है टर्मिनेलिया चिबुला, हरड़ तो आप बाजार में मिलने लगा, हिमालया और पतंजलि बेच रही है इसको, और ये पाचन में बड़ा फ्रूटफुल है, ये कारगर है। और गिलॉय जो है टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, गिलॉय भी देखिए आपने जो स्वामी रामदेव जी ने बड़ा कॉमन इसको बना दिया है, हर मुझे लगता है कि संस्कृति का पार्ट हो गया अब ये। इसके अलावा अश्वगंधा देखिए, अश्वगंधा विथानिया सोमनीफेरा हमारे स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ये बड़ा कारगर है, कोविड काल में भी बड़ा कारगर रहा है। इसके अलावा कुछ हमारे ऐसे प्लांट हैं जो जिनको हम 2 साल क्योंकि लगातार हम कोविड में रहे उनको भूल ही नहीं सकते हम, जैसे अदरक है, देखिए अदरक हमारी इम्यूनिटी को उसने बूस्ट करने का कारगर किया, और यही इसी में हम कोविड में सर्वाइव भी कर पाए, जिंजिवर ऑफिसिनलिस जो है, हल्दी, करकुमा लौंगा जिसको जिसका दूध पीने से निश्चित रूप से शरीर को पौष्टिकता मिलती है, गिलॉय, टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, काली मिर्च, पाइपर नेग्रम, लौंग, पाइपर लौंगम और तेज पत्ता, ये ऐसे पौधे हैं जिन्होंने निश्चित रूप से कोविड काल में हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में, अब हमने क्या दूध की चाय छोड़ दी, काली चाय शुरू कर दी, तो जो काली चाय कह रहे हैं ना, जो पाउडर है वो हर्बल टी के नाम से जाना जाता है, इसीलिए अटिका पार्विफ्लोरा बिच्छू जिसको हम कहते हैं उसकी चाय भी मार्केट में इंट्रोड्यूस है हर्बल टी के नाम से। तो ये तमाम वो पौधे हैं जिन्होंने कहूंगा कि जाने या अनजाने, देखिए हम फिर डिपेंडेंट उन्हीं पर हुए, तो ये हमारा हेरिटेज है, और इन हेरिटेज को बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमारे जो तमाम ग्लेशियर्स हैं उनको बचाने की जरूरत है। उन ग्लेशियर्स को बचाने की क्यों जरूरत है, क्योंकि वो इस प्रकृति में, जैसे अगर ग्लेशियर्स नहीं बचेंगे ना तो हमको पीने का पानी कहाँ से मिलेगा, केवल 3% पीने का पानी अवेलेबल है और 97% तो खारा जल है। तो हमें हमारी अब ये भी जिम्मेदारी है, देखिए कई सारी जिम्मेदारियां हैं, ना केवल पौधों को बचाने की, एबायोटिक कंपोनेंट जो हमारे पहाड़ हैं, जो हमारे पर्वत हैं, जो हिमाच्छादित पर्वत हैं, चाहे उसमें पंचाचूली हो, चाहे उसमें पार्वती लेक हो, पिंडारी हो, मिलम हो, या सुंदरडूंगा हो, तो ये तमाम ग्लेशियर कुमाऊं के रीजन के हैं, इनके साथ साथ हमें बड़े ग्लेशियर्स को बचाने की जरूरत है, संरक्षित करने की जरूरत है। जब हम संरक्षित करने में कामयाब होंगे तो निश्चित रूप से जो प्रकृति का जो दोहन है उसके प्रति भी हम सेंसिटिव हो सकेंगे। अब हम एक झलक देख रहे हैं कि हमारे जो मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज है, देखिए जैसे पोल्यूशन है, पोल्यूशन 7 टाइप का पोल्यूशन है, देखिए पूरा एयर, वाटर, सॉयल, नॉइज, रेडियो एक्टिव, लाइट एंड थर्मल पोल्यूशन है। वाटर जो पोल्यूशन है देखिए, वो ऑयल से या ऑयल स्पिल हो गया समुद्र में, एसिड रेन हो गया, या अर्बन रन ऑफ हो गया। तो एयर जो पोल्यूशन है वो जो टॉक्सिन्स हम बना रहे हैं, इंडस्ट्री को बना रहे हैं, उसमें हम कोई मेथड नहीं ला रहे हैं। साथ ही जो हमारा सॉयल डिग्रेडेशन है, सॉयल डिग्रेडेशन बहुत बहुत मुझे लगता है कि बहुत गंभीर समस्या है। अब ये क्योंकि फूड सिक्योरिटी के लिए हम किस पर डिपेंडेंट है, कई सारे फैक्टर्स हम है कि हमको बेहतर सॉइल चाहिए तभी तो हम फूड सिक्योरिटी में रहेंगे। तो यूनाइटेड नेशन का एक अनुमान है कि 12 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फार्मलैंड जो है वो प्रत्येक साल 12 मिलियन हेक्टेयर लैंड डिग्रेडेड हो रही है, जो फार्म लैंड है। इसके अलावा जो जो हमारा सॉइल है वो इरोजन के कारण भी समाप्त हो रही है, और साथ ही ओवरग्रेजिंग, मोनोकल्चर, पॉल्यूटेंस का बढ़ना और लैंड यूज कंजर्वेशन, ये भी तमाम फैक्टर्स हैं। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो जिस तरह से हम ग्रीन हाउस गैसेस को अधिक से अधिक उत्सर्जन कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर प्रभावित हो रहा है, उससे पूरा अर्थ से लेकर बर्फ के पहाड़, अर्थ की क्रस्ट प्रभावित हो रही है, फ्लडिंग हो रही है, अलग अलग तरीके समय में अत्यधिक रेन हो जा रही है, जिससे जिसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ रहा है। तो फ्लैश फ्लड्स भी आ जा रही है, हरिकेन्स है, वाइल्ड फायर है, ड्रॉट है, एक्सेसिव स्नो और डिजर्टिफिकेशन जैसी समस्याएं हमको दिखाई देने लगी है। अब सवाल कहाँ से है,
अब हम थे 7 बिलियन, अब 7 बिलियन हो गए हम। क्या 7 बिलियन रहने लायक हमारी प्रकृति है? हमको इसका जीवन का अवधान मिला कि हम 7 बिलियन से लेके आने वाले 2050 में 10 बिलियन हो जाए? तो ये हमको सोचना होगा कि इंसान की जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है उसको रोकने की जरूरत है। और नेचुरल डिप्लीशन की अगर हम बात करते हैं तो हमको आज के दौर में भी 1.5 अर्थ चाहिए, यानी कि 1.5 गुना पृथ्वी की और जरूरत है ताकि हम अपने नेचुरल संसाधनों की पूर्ति कर सकें। और जब हम पूर्ति की बात कर रहे हैं तो साथ में क्या कर रहे हैं, जो हमारा अनसस्टेनेबल वेस्ट है वो भी बढ़ा दे रहे हैं। देखिए, हम एक आदमी कम से कम 4.3 पाउंड वेस्ट करता है पर डे में, और यूएस में अकेले अगर हम बात करें तो 220 मिलियन टन जो है कूड़ा, जिसको हम अनसस्टेनेबल वेस्ट कह रहे हैं, वो वहां पर एकत्र किया जाता है और यानी कि निकलता है। इसके अलावा जो वेस्ट डिस्पोजल है, वेस्ट डिस्पोजल में जो हमारे प्लास्टिक्स हैं और साथ ही जो हमारे जो हमने गार्बेज किया है वो ओशियन से लेके लैंड सब जगह शामिल है। न्यूक्लियर वेस्ट, अभी आप देख रहे हैं यूक्रेन और उसका लड़ाई हो रहा है रशिया का, तो उसमें भी चेर्नोबिल जैसी उन्होंने कब्जा किया है। क्या क्या ये इंसान के क्या कहूंगा कि उसको दूसरे पर कब्जा करने की नीति को नहीं दिखाता, और कब्जे के साथ साथ उसके जो परमाणु संयंत्र हैं उन पर कब्जा करने से ये और दिखाई देता है कि किस तरह से हम लोग आगे को बढ़ रहे हैं, किस तरह से इंसान आगे को बढ़ रहा है। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन, देखिए डिफॉरेस्टेशन से हमारा जो ऑक्सीजन का लिंक था ना वो श्रिंक हो गया, और जब श्रिंक हो रहा है तो हम तो फटाफट फॉरेस्ट काटते जा रहे हैं, हमको चिंता ही नहीं है। अमेजोन से 20% अमेजोन का जो फॉरेस्ट है ना उससे 20% ऑक्सीजन की सप्लाई होती है विश्व। वो ऐसा तो नहीं कहता अमेजोन वाले जंगल वाले कि अमेजोन का जंगल, ये तो नहीं कह रहा है मैं हिंदुस्तान वालों को ऑक्सीजन नहीं दूंगा, ये तो नहीं कह रहा है ना। देखिए यही पर्यावरण की खासियत है। और जब हम इतना सब देख रहे हैं तो देखिए पोलर आइस कैप कितने कितने आर्कटिक से कितना बर्फ गल रहा है, या हमारे जो पिंडारी सुंदरडूंगा ग्लेशियर्स हैं उनमें उनसे कितना बर्फ गल रही है, ताकि जो फ्लड्स की जो घटनाएं हैं वो बढ़ी हैं। तो इसका मतलब हमारा जो इकोसिस्टम है वो प्रभावित हुआ है, और प्रभावित होने से क्या हुआ कि हमें लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी भी, जैसे कोरल रीफ को हम खो दिया है, मछलियों की संख्या कम हो रही है। तो इसके बाद दूसरा जो इशू आया इसके साथ वो क्लाइमेट चेंज जैसे इशू आया है। क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन, कितना कितना डिग्री टेम्परेचर का वेरिएशन हुआ, जिससे पूरे जो पारिस्थितिक तंत्र का जो एबायोटिक बायोटिक और डिकम्पोजर्स का कॉम्बिनेशन था वो बिगड़ गया। तो ये बिगड़ने की तरफ भी हमको देखना है। देखिए अब हमें ओशियन एसिडिफिकेशन की बात भी करनी है कि जो अम्लीकरण है हमारे महासागरों का वो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पॉपुलेशन बढ़ी है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है। उसके अलावा हमारा औद्योगिक जो घराना है या औद्योगिक सिस्टम है उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। तो द ओशियन एसिडिटी हैज इंक्रीज एटलीस्ट इन लास्ट 250 ईयर, 250 सालों में जो हमारी समुन्द्र की अम्लीयता है वो बढ़ी है, ठीक है 150 गुना बढ़ गई है, और इससे सेल्फिश और प्लैंकटन्स को निश्चित रूप से प्रभावित होना पड़ा है। इसके अलावा जो नाइट्रोजन साइकिल है, कई सारे ऐसे प्लांट है ना जिसमें हम कहते हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, और नाइट्रोजन फिक्सेशन को बैलेंस करने में, जैसे हम गन्ने की खेती में मटर की भी ले लेते हैं, तो मटर क्या है, मटर के जड़ों में राइजोम्स राइजोबियम नाइट्रोसोमोनास रहता है, बैक्टीरिया है जो प्रकृति में डायरेक्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और सॉयल की उर्वरकता को बनाए रखने का काम करते हैं। लेकिन अब अगर हम विश्व पटल पर देख रहे हैं तो नाइट्रोजन साइकिल जो है वो इनबैलेंस हो गया है। तो इम्बैलेंस हो गया है तो 50% नाइट्रोजन जो फिक्सेशन था वो कम हुआ है, कम हुआ है तो सॉइल का डिग्रेडेशन बढ़ा है। तो ये तमाम इश्यूज हैं जिन पर, चाहे हम N2O नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें जो हमारे डिजर्टिफिकेशन में मदद करता है, 50% कम हो गया है नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके अलावा हम ओजोन लेयर की बात करते हैं, 16 सितंबर को हम लगातार बात करते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन पर बात करते हैं, और CFC गैसों का हमने कितना कम किया, या क्लोरीन और ब्रोमाइड फाउंडेशन जो मिलता है उसको प्रोडक्शन करने में, इस प्रकृति को देने में हमने कितना कम किया, हमें ये तमाम इश्यूज हैं इनको देखना है। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस NO2 की क्या वर्षा एसिड रेन, जिसको हम कह रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड में, तो क्या इसको रोकने की जरूरत है। इसको रोकने कैसे रोकेंगे हम, जो हमारे इंडस्ट्री है उन पर हमें पर्यावरण के प्रति संचेत जो संयंत्र है उनको लगाना होगा ताकि हम कम से कम
उसको कर सकें। इसके अलावा जो वाटर पॉल्यूशन है, देखिए आप चाहे शहर में हो, चाहे नैनीताल शहर की बात कर लें, चाहे किसी शहर की बात कर लें, कूड़े डालने का एक तंत्र हो गया। नैनीताल में तो आप लेक में जिस तरह से लोगों ने नालों में कूड़ा डाला ना, नैनीताल के करीब 100 नाले हैं बड़े, नैनीताल में 106 नाले हैं। अब उसमें से कितने बंद हो गए, कितने चल रहे हैं, ये अलग इशू है। लेकिन अब सरकार ने क्या किया कि हर नाले के ऊपर एक उन्होंने जाली नुमा छत बना दी, क्यों, ताकि लोग कूड़ा ना फेंक सके। लेकिन तब भी देखिए इंसान की प्रकृति है ना, वो कूड़े को नाले में फेंकता है, नाले का मतलब वो तालाब में जाता है। अब बड़े मुश्किल से हम 2008-09 से आज नैनीताल को जो आर्टिफिशियल इसमें एरेशन का काम हुआ है, उसका एरेशन के कार्य से उस लेक को बचाने में या उसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने में या उसमें जो मछलियां थी, बायोडाइवर्सिटी सिस्टम था उसका, उसको बढ़ाने में कारगर हुए हैं। लेकिन लोगों का इथिक्स देखिए ना, लोग कूड़ा अभी भी नालों में फेंक रहा। और आप अगर देखेंगे उन दृश्यों को, तो वो जो छत लगी है ना जालीनुमा छत के ऊपर भी आपको कूड़े का ढेर नजर आ जाता है। इसके अलावा देखिए अब जो समुद्र के किनारे रहते हैं, समुद्र के किनारे वाले क्या कर रहे हैं, इतनी सारी मछलियां ले ले रहे हैं, और आज ही जितनी लेनी है सब ले लो। तो ये इससे क्या हो रहा है कि हमें 63% हमने ग्लोबल स्टॉक की बात करें अगर वर्ल्ड में, तो हमने ओवरफिश कर दिए। तो ओवरफिश कर दिए हैं तो निश्चित रूप से प्रभावित वो जो हमारा ओशियन इकोसिस्टम है वो हुआ है। इसके अलावा अर्बन स्प्रॉल, कितनी सारी जनसंख्या बढ़ गई शहरों में, लोगों का संघनीकरण हो गया। संघनीकरण हो गया तो कैसे लोग रहेंगे, कैसे लोगों का रहेगा, इससे फ्लोरा और फौना निश्चित रूप से प्रभावित हो रहा है, और ये बड़ा चिंतनीय विषय है। इसके अलावा जब ये सब चीजें हो रही हैं तो क्या पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, देखिए हमारी महत्वाकांक्षा ने ही तो कोविड जैसे विषाणु दिए ना हमें, हमारी महत्वाकांक्षा ये इंसान की महत्वाकांक्षा है। और उसमें एनवायरमेंटल चेंज में हमको पता भी नहीं चला कि हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, जीवन में चल पाएंगे। एक बार लगा मानवता हार जाएगी, लेकिन फिर धन्यवाद है हमारे वैज्ञानिकों को कि उन्होंने टीका बना के, वैक्सीन बना के फिर हमको जीवित रखने का प्रयास कर दिया। देखिए तो ये बड़ा एक धन्यवाद भी है कि साइंस के क्षेत्र में और जो हमारे वैज्ञानिकों ने काम किया, ये एक महत्वपूर्ण काम हमको करके दिखाया कि हम फिर आज सुरक्षित महसूस करने लगे। तो ये तमाम जो एयर पोल्यूशन से, चाहे दिल्ली की बात कर लें, वहां इतना एयर पोल्यूशन है कि लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स नजर आने लगी है। इसके अलावा हमारी महत्वाकांक्षा देखिए जेनेटिक इंजीनियर की बात करते हैं, जेनेटिक इंजीनियर से हम मॉडिफाइड कर रहे हैं और फिर कोविड जैसे रोगों के जो हमारे वायरस हैं उनको बनाने में कारगर हो जा रहे हैं हम देखिए। तो हमको ये बड़े इश्यूज हैं। यूनाइटेड नेशन ने इस पर बात करी कि इकोसिस्टम रेस्टोरेशन होना चाहिए, 2021 से 2030 तक का जो डेकेड है उसको उन्होंने इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के नाम से रखा है। और जो 10 साल आने वाले 2021 से 2030 तक के हैं, 350 हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड को और जो एक्वेटिक इकोसिस्टम को है उसको रिजनरेट करने की बात यूनाइटेड नेशन ने की है। इस काम में वो $9 trillion खर्च करेगा और ये जो 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 इम्प्रूव करेगा कि ये इम्प्रूवमेंट से क्या होगा, 1326 जाइगेंटन जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको कम करने में भी कारगर सिद्ध होगा ये इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। तो इकोसिस्टम रेस्टोरेशन करने से कई लाभ भी हैं देखिए। और ये आप देख रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि $9 trillion हम लोग खर्च करेंगे ताकि केवल मात्र टारगेट क्या है 350 मिलियन हेक्टेयर, लेकिन इससे 1326 जाइगेंटन जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको रिमूव करने में मदद मिलेगी। तो ये यूनाइटेड नेशन का बड़ा टारगेट है। 2011 से 2020 तक उन्होंने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पर अपना कार्यक्रम किया और उसके बाद ये उस पर कारगर होने के बाद अब इकोसिस्टम रेस्टोरेशन पर आ रहे हैं ताकि हम इस प्रकृति को उस हाल में छोड़ दें जिस हाल में हमको प्रकृति मिली थी। अब दूसरा जो और इथिक्स की बात करते हैं, देखिए सारे जितने भी पौधे हैं वो सब ऑक्सीजन देते हैं, फिजियोलॉजिकल गेन है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करने का काम करते हैं, देखिए बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। तो ये इन पौधों को, कुछ ऐसे पौधे हैं जो ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं, कुछ ऑक्सीजन तो सब पौधे देते हैं। फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज बैक ऑक्सीजन इन देयर कोर्स, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, उनके खाना बनाने की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से उनका भोजन बनता है और उस भोजन के बाद वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं, ठीक। तो ये रिलीज करने में कुछ पौधे ऐसे हैं, उनमें मैं केवल उनको मेंशन कर रहा हूं जिनसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। तो उनका 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 कहूंगा कि
हमको प्लांटेशन करना चाहिए, उनको कंजर्व करने की बात करनी चाहिए। अभी एक बात और करूंगा, की स्टोन स्पीसीज, उस पर भी बात करेंगे। तो ये ऑक्सीजन बढ़ाने की बात कर रहे हैं हम, ऑक्सीजन को की जो कंसंट्रेशन है उसको आगे रखने की बात कर रहे हैं। तो बनियान ट्री जिसको हम फाइकस बेंगालेंसिस कहते हैं, ठीक है, तो ये ज्यादा ऑक्सीजन देता है। इसके अलावा नीम, जो नीम है एजेडिएक्ट्रा इंडिका जिसको हम कहते हैं, ये नीम भी ज्यादा ऑक्सीजन देता है। अशोका ट्री, सरेका अशोका, ये भी ज्यादा ऑक्सीजन देता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा अशोक के ट्री लगाइए, ट्री के पौधे लगाइए। इंडियन बेल, बेल जो एजल मार्मिलोस के नाम से जाना जाता है, ये भी अधिक ऑक्सीजन देता है, इसलिए इंडियन बेल को भी अधिक से अधिक प्लांट करिए। नीचे तराई में ये हो पाएंगे। सतपर्णी ट्री, एस्टोनिया जो है वो भी ज्यादा ऑक्सीजन देता है। जामुन का ट्री, साइजाजियम क्यूमिनी जो है वो भी ज्यादा ऑक्सीजन देता है। बेम्बू, बेम्बूसा जिसको हम कहते हैं, वो उसके भी पौधे लगाए जाएं, ये ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं। इसके अलावा स्नेक प्लांट जिसको ड्रेसिना ट्री फैसिएटा कहते हैं, वो भी ज्यादा ऑक्सीजन देता है। एलोवेरा, एलोवेरा भी ज्यादा ऑक्सीजन देता है, इसको आप ज्यादा से ज्यादा लगाएं। तुलसी, हर घरों में तुलसी है, सनातन धर्म जितना भी है उसमें तुलसी की महत्वपूर्णता है। इसके अलावा मनी प्लांट, मनी प्लांट इपीफ्रेनम, इपीफ्रेनम जो है उसको भी ज्यादा लगाएं, और लोग घर में लगाते भी हैं, लेकिन क्या वो सफिशियंट है। इसके अलावा लेवेंडर, लेवेंडुला एंगुस्टिफोलिया, ये भी ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले की श्रेणी में शामिल है। कुछ फोटोग्राफ्स मुझे मिले, मैंने आपके लिए रखे हैं। स्नेक प्लांट, लेवेंडर, पीपल और करी लीव्स भी जो आपका है वो ज्यादा ऑक्सीजन देने का काम करती है, तो इनको इनको प्रोपगेट करने की जरूरत है। अब दूसरा सवाल देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि उत्तराखंड में जब हम कुमाऊं की बात करते हैं तो कुमाऊं में एक बहुत महत्वपूर्ण मेला लगता है, नंदा देवी मेला। और नंदा देवी मेला क्या है, मैं तो इसको कहता हूँ कि द फेस्टिवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फेस्टिवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्यों? क्योंकि आप देखिए नंदा देवी की एक बहुत खूबसूरत सी आप पिक्चर इसमें देख रहे हैं, ये जो बनाई गई है लोक पारंपरिक कलाकारों ने बनाई, इसमें बैम्बू का इस्तेमाल हुआ, इसमें रुई का इस्तेमाल हुआ, कॉटन जिसको हमने शुद्ध माना है, गॉसिपियम आर्बोरियम जिसको हम कहते हैं, बैम्बूसा का इस्तेमाल हुआ इसमें। आपके इसका जो आसन है वो आर्टिमीजिया से बना, जिसको हम भृंगराज कहते हैं, इसके इसमें हर्बल रंग का इस्तेमाल हुआ है, और ये लोक पारंपरिक कलाकारों ने मिलकर बनाई है। और इसमें कदली का इस्तेमाल हो, कदली इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। कदली को अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उसमें लक्ष्मी का वास माना गया है, उसमें भगवान बृहस्पति की कृपा मानी गई है, और ये इको सिस्टम के लिए प्रभावित नहीं है। देखिए इसको जब हम जल में डालते हैं तो एक घुलनशील है, तो ये इको सिस्टम है। देखिए ये इको सिस्टम को मेंटेनेंस करते हैं, और ये मेंटेनेंस करने के साथ साथ इनको प्रिय पौधा कौन सा है, इनको जो प्रिय आपका फ्लावर है वो सोसोरिया ओबोविलाटा है, ब्रह्म कमल जिसको कहते हैं, यही नंदा देवी को चढ़ाया जाता है, और यही हमारे जो 3,500 मीटर की हाइट पर ये हमको सोसोरिया ओबोविलाटा मिलता है, ये इसको चढ़ाया जाता है, और ये रिलीजियस मान्यता है। इसको जब कलेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, नंगे पैर जाते हैं, उसको डलिया में लेके आते हैं, और बगैर खाए पिए जाने का नहीं रिवाज है। ये हमारी सहिष्णुता को साथ साथ हमारे धार्मिक पक्षों को और हमारी विरासत को भी मजबूत करता है, और ये इसका उदाहरण आप देख रहे हैं, ये नंदा देवी नैनीताल का दृश्य, तलीताल बस स्टॉप का, कि पूरा जो जनमानस है देखिए वो इस नंदा देवी के महोत्सव में शामिल है, और जब वो शामिल है तो उसके उसको ये भी सेंसिटिव होना है, ये इथिक्स भी सीखना है कि नंदा देवी जो हमारी प्रकृति के पर्यावरण का पूजन का त्योहार है, उस पर्यावरण को बचाने में, उस पर्यावरण को सस्टेन करने के लिए, उस पर्यावरण को कंजर्व करने में भी हमारी भूमिका सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके अलावा मैंने काफल की आपको कहानी सुनाई थी, काफल पाको मैनी चाको, और कफुआ चिड़िया से ये जुड़कर आज गांव में कहते हैं कि कफुआ चिड़िया भी इस गाने को गाती है जब काफल पकता है। तो ये देखिए कहानी है, किवंदितियां हमें मोरल देती हैं कि हमें जो मायरिका स्कुलेंटा है, जो जो हमारा प्लांट है, उस प्लांट को हम संरक्षित करने में प्रयासरत रहें, उसको ये नहीं कि उसका दोहन करते हैं, हम काफल को बचाना है, ठीक है। तो ये क्योंकि मल्टीपर्पज है, इसकी पत्तियां भी काम आती है, इसकी लकड़ी भी काम आती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी काम आता है, इसकी छाल भी काम आती है, और ये फल भी है, वाइल्ड एडिबल भी है, और साथ ही में इसको अगर आप खा लेंगे, पानी पी लेंगे, तो आपका पेट भी साफ हो जाएगा। देखिए तो ये दूसरा जो एग्जांपल है वो हरेला है। हरेला देखिए आप, टेस्टिंग ऑफ 7 टाइप ऑफ सीड्स, ये दिखा रहा है ना हरेला। हरेला क्या, सुख समृद्धि और ग्रोथ का प्रतीक है, और ये दिखा रहा है कि जो हमने 7 प्रकार के हमने सीड लिए वो उनकी ग्रोथ क्या है। तीन तीन बार हरेला मनाया जाता है, लेकिन फेमस कौन सा है, जुलाई के महीने में जो होता है। तो ये हमारी परंपराओं को दिखा रहा है, इन परंपराओं के माध्यम से हम उन पौधों के बारे में जानकारी लेते हैं और उनकी टेस्टिंग करने में भी कारगर हो जाते हैं।
तो ये जो इश्यूज हमने आज रेज किए, जो हमने इथिकल बात करी, इथिकल बात देखिए केवल लिविंग टू लिविंग नहीं है, 17,50,000 माइनस वन ह्यूमोसेपियंस ही बात नहीं है, ये पूरा जो एबायोटिक और बायोटिक सिस्टम है उसका कॉम्बिनेशन, जो फिनोलॉजी और बायोस्फीयर, यानी कि कोई भी पौधा तभी बचेगा या कोई भी इंसान की अच्छी स्वास्थ्य तभी रहेगा जब पर्यावरण संरक्षित रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो क्लाइमेट भी बचाना है, केमिस्ट्री भी बचानी है, बायोफिजिक्स भी बचाना है, बायोकेमिस्ट्री भी करना है, हाइड्रोलॉजी भी करना है, फिनोलॉजी भी करना है, और साथ ही जब हम इतना करेंगे तो जो निचला स्तर है ना वाटरशेड और इकोसिस्टम, यानी कि स्पीसीज कंपोजिशन, जो हमारा पानी का ऊपर नीचे आदान प्रदान है, इवोपोरेशन है, या प्लांट माइक्रोबियल रेस्पिरेशन है, जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है उनको भी देखना है। तो ये जो हमारे प्रभावकारी हैं, जैसे फायर है, हरिकेन्स है, आइस स्टॉर्म्स है, विंड थ्रोज है, तो इनको भी बैलेंस करना है। देखिए यही इकोसिस्टम की बैलेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, और यदि हम इनको बचाने में कारगर हुए तो इकोसिस्टम निश्चित रूप से बैलेंस होगा। तो इसीलिए उत्तराखंड राज्य में भी 4 जो हमारे विशेष कहूंगा कि पक्षी और एनिमल हैं या पौधे हैं, उनको विशेष दर्जा दिया गया है। जैसे मोनाल को लफोफोरस इम्पिजिनस है, हमारी बर्ड है उत्तराखंड की। सोसिरिया उबोविलाटा ब्रह्म कमल फ्लावर है। रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम बुरांस है, वो हमारा स्टेट ट्री है। और मॉस्टस मॉस्टिफेरा मस्ट डियर जो है वो राज्य जानवर या हमारा जो नेशनल उत्तराखंड का स्टेट एनिमल है। ये ब्यूटी ऑफ उत्तराखंड है, देखिए यही खूबसूरती है इस उत्तराखंड में। इस उत्तराखंड के कुमाऊं में देखिए बुरांस की बात करते हैं ना, बुरांस रचा बसा है, और बुरांस की 4 प्रजातियां मिलती है, रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम, रोडोडेंड्रोन बारबेटम, रोडोडेंड्रोन लेपिडोटम और रोडोडेंड्रोन कैंपेनुलेटम। कैंपेनुलेटम व्हाइट है, रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम का जूस पीते हैं और रोडोडेंड्रोन कैंपेनुलेटम का जूस मना है क्योंकि वो पॉइजनस है, ठीक है। वो व्हाइट कलर का है, वो हाई एल्टीट्यूड जोन्स में होता है, करीब करीब 3300-3400 मीटर की हाइट पर ये आपको मिलता है। तो 4 विशेष प्रकार की प्रजातियां इस कुमाऊं रीजन में आपको मिलती हैं। और ये देखिए, ये एक हिंदू कुश पर्वत दिखा रहा है। हिंदू कुश पर्वत का मतलब हुआ कि जो हमारा अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक आप जाएं तो 10 बड़ी नदियां इसमें से निकलती हैं, और ये 10 बड़ी नदियां जीवन का आधार है। क्यों? क्योंकि जो 210 मिलियन पीपुल हैं हिंदू कुश पर्वत के, वो इस पर इससे आच्छादित है, उनका जीवन इसी पर चलता है। और 1.3 बिलियन लोग जो है वो नीचे तलहटी पर जो रहते हैं, और 3 बिलियन जो लोग हैं, देखिए 3 बिलियन लोग, उसकी फूड और एनर्जी इस 10 बड़ी नदियों के संगम में है जो हिंदू कुश पर्वत से निकलती हैं। तो हिंदू कुश पर्वत अगर बचेगा नहीं तो 10 बड़ी नदियां खत्म हो जाएंगे, तो फिर कहां से 3 बिलियन लोग जीवित रह पाएंगे? उनकी जीवन और उनकी एनर्जी का आधार है ये। तो ये श्रृंखलाएं दिखा रही है कि कैसे जो हमारा हमारा जो सिस्टम है, देखिए पर्वत, नदी और फिर इंसान, और फिर उसकी लाइवलीहुड और उसका एनर्जी सिस्टम, फूड सिस्टम, और फिर हम संस्कृति की बात करते हैं, गंगोत्री से निकलकर गंगा गंगा सागर तक जाती है। इतनी सारी संस्कृतियों को अपने बीच समेटते हुए एक नया सांस्कृतिक, जो कहूंगा कि एक नया संस्कृति को जन्म देने में माँ गंगा ने अपना योगदान सुनिश्चित किया। तो हमें इस बारे में सोचना होगा। छोटी सी पहल हम निश्चित रूप से कर सकते हैं, अपने जन्मदिन के अवसर पर एक ट्री प्रजाति का पौधा लगाने में कारगर हुए तो शायद कुछ सकारात्मक हो सकेगा, ताकि ये गंगोत्री आप देख रहे हैं, ये आपका पिंडारी, ये आपका कफनी, ये सुंदर डूंगा और ये ओम पर्वत, इनको बचाने में हम कारगर हो सकेंगे। इसके लिए हमको बहुत कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की जरूरत है, और इस कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में फिर एक दो वाक्य आपको सुनाना चाहूंगा। द फ्रेंच कोर्ट में देखिए, फ्रेंच कोर्ट में देखिए, आई डोंट वांट टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, आई वांट टू क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर द एनवायरनमेंट डज नॉट नीड प्रोटेक्शन, एटलीस्ट डू नॉट रुइन द लाइफ ऑफ दोज ट्रीज डिपेंडिंग ऑन हुम वी लिव, लेट्स प्रूव दैट वी आर ह्यूमंस। तो हमें इथिक्स के पहले कहूंगा कि हमको ये भी रखना पड़ेगा कि हम इंसान हैं, और इस बात को भगवत गीता ने भी डिनाई नहीं किया। देखिए भगवत गीता भी कहती है कि जो 72वें डिवाइन मैनिफेस्टो में उसने कहा कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट एंड एनालिसिस ऑफ दीज गॉडली ग्लोरी रिवील द क्रोनोलॉजी ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी एंड एक्सपेंशन ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, द टाइम इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ द यूनिवर्स दैट एनकैप्सुलेट एवरीथिंग क्रिएशन मेंटेनेंस एंड डिसोल्यूशन। तो वो कहता है कि हर जो भगवत गीता भी कहती है, देखिए जैव विविधता की अपनी आप में एक विशेषता है और उसको एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, और ये समय है जब उसके दुष्परिणाम के साथ साथ आपको देखना पड़ेगा
कि हम जो क्रिएटिविटी है, जो इस प्रकृति की क्रिएटिव क्रिएशंस है, उसके मेंटेनेंस कैसे करें और जो डैमेजिंग फैक्टर्स हैं उसको मिटिगेट कैसे कर सकें। तो ये रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए, देखिए बनाने के लिए क्या है, कीड़े का भी या मधुमक्खी का भी वही रिश्ता है इस फूल के साथ। यदि वो पराग नहीं लेगा तो मधु कैसे बनेगा, और पराग लेगा तो परागण भी कराएगा। तो ये परागण पौधे के लिए भी सस्टेनेबिलिटी की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है। और इस कदम को जब हम आगे ले चलते हैं तो बात करते हैं, एक छोटी सी बात करते हैं कि की स्टोन स्पीसीज, यानी कि की स्टोन स्पीसीज मतलब एक ऐसी स्पीसीज इकोसिस्टम की जिसमें कई सारी जिंदगियां उस पेड़ के आसपास या उस इंसान के आसपास, जैसे हम कहते हैं ना, वैसी पेड़ के समक्ष अगर वो रह रही हैं, तो इसका मतलब की स्टोन स्पीसीज है। की स्टोन स्पीसीज क्यों है, क्योंकि जो इसके न केवल इससे जूस बनता है, न केवल फूल हम इसको आज फूल देह में इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि पॉलिनेटर का काम भी कर रही है, पॉलिनेटर के साथ मधु बनाने का काम भी कर रही है, हनी बनाने का काम भी कर रही है। तो ये की स्पीसीज है। इसके अलावा इसका वुड, इसकी पत्तियां भी काम में आती है। तो देखिये ये कितने सारा अपना पूरा जीवन देकर भी खुशियां बांटने का काम करता है, इसीलिए ये की स्टोन स्पीसीज कहलाए। इसीलिए अब की स्टोन स्पीसीज जब हम आए तो हम एवेन्यू ट्रीज की बात करते हैं। एवेन्यू ट्रीज का क्या काम है, क्योंकि वो सड़क के किनारे ही नहीं लगते हैं, बल्कि वो पॉल्यूशन कंट्रोल का काम भी करते हैं। और पॉल्यूशन कंट्रोल करने के साथ साथ जो लैंडस्केप में छाया देते हैं, पेड़ों का पहला काम, दूसरा काम वो ऑक्सीजन देते हैं, तीसरा काम वो प्रदूषण को रोकने का काम भी करते हैं। देखिए ये रोड साइड, हाईवे, गार्डन, रेलवे लाइंस, अनयूज लैंड में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सीड पॉल्यूशन कंट्रोल, एस्थेटिक और कंजर्वेशन टिम्बर में काम आते हैं। साथ ही जो एंशियंट प्रैक्टिसेस, इसी तरह से सेक्रेट ग्रुप्स है ना, मंदिरों को समर्पित जो जंगल है, वो भी आप देखेंगे कि पिथौरागढ़ में कई सारे हैं सेक्रेट ग्रुप। सेक्रेट ग्रुप्स का मतलब जंगल जो है वो भगवान को समर्पित है। जो जंगल लगाया गया वो भगवान के मंदिर को लगाया गया, अब जो काटेगा उसको क्या लगेगा, पाप लगेगा, तो काटना रोकना पड़ेगा। ये बड़ी कारगर कदम, और इन कारगर कदमों में जब हम एवेन्यू ट्रीज लगाते हैं तो हमको कई चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। ट्री हैबिट है, पेरिनियल होना चाहिए, फुल सन लवर होना चाहिए, अपराइट ग्रोथ होनी चाहिए, एक्सटेंसिव कैनोपी होना चाहिए, मैक्सिमम केयर एंड मिनिमम वाटर रिक्वायरमेंट होना चाहिए, और डिलीपिंस ब्रांचिंग उसकी होनी चाहिए। और साथ ही जो हमारा फायरवुड फॉडर स्पीसीज शुड नॉट बी टेकन चोजन, और डिफरेंट स्पीसीज शुड नॉट बी मिक्स, इजीली ब्रोकन ट्री शुड नॉट बी चोजन। जैसे नैनीताल में आपने देखा होगा ना, माल रोड में जब हम चलते हैं तो चिनार लगाया गया है, उसके साथ बिटुला एल्नोइडिस भी है। तो ये और तलिता, अब जब हम लेक के किनारे आते हैं तो सेलिक्स बेबिलोनिका जिसको लैला मजनू कहते हैं, एसर पिक्टम, एसर सीजियम की स्पीसीज भी आपको दिखाई देती है। तो कुछ सारे स्पीसीज देखे थे, सीरीज है एल्बीजिया लीबैक, ये बड़ा कॉमन प्लांट है, ये एवेन्यू ट्री के रूप में इस्तेमाल होता है। कदम जो है एंथोसिपेलस, नीम डायरेक्टा इंडिका, पीपल फाइकस रिलीजियोसा, सॉसेज जो है कैलिका पिनाटा जो है, और बरगद फाइकस बेंगालेंसिस, गुलमोहर डेलोनिक्स रेजिया, सीजम जो है हमारा डेलबर्जिया सिसु, बाकुल माइमोप्स इलिग्ना, करानी पुट्रेंजिया, और अर्जुना जिसको अर्जुना हम कहते हैं टर्मिनेलिया अर्जुना को। तो ये पौधे सड़कों के किनारे जहाँ लैंड है या रेलवे लाइन के किनारे लगाए जाते हैं, ताकि वो इस जो हमारे संरक्षण की मुहिम है उसमें बेहतर काम कर सके, और साथ ही ये प्रदूषण को रोकने का काम भी करते हैं। ये एयर पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करते हैं, गैसेस डस्ट नॉइज को एब्जॉर्ब करते हैं, इसमें लाइकेन की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, मॉसेस भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये फाइटो रेमेडिएशन ऑफ एनवायरमेंट कितना लेबल है, ये लाइकेन बता देते हैं आपको कि यहाँ पर प्रदूषण का इतना लेबल है यहाँ पर। तो ये महत्वपूर्ण कड़ी सिर्फ पौधे ही निभा पाते हैं। और साथ ही जो एवरग्रीन पौधे हैं, लार्ज और वाइड लीव जिनकी होती हैं, इंडिजीनियस होते हैं, लो वाटर रिक्वायरमेंट, क्योंकि रोज रोज तो पानी को नहीं डालता वहां पर, और डस्ट स्कैवेंजिंग कैपेसिटी यानी कि डस्ट के अगेंस्ट में भी ये पौधे सर्वाइव कर सकते हैं। तो कुछ पौधे ऐसे हैं देखिए जो पोल्यूशन कंट्रोल का काम करते हैं, उसमें एल्बीजिया लीबैक है, सीरीज है, अमलतास काजिया फिस्टूला है, बरगद है, फाइकस बेंगालेंसिस है, जंगल जलेबी जिसको हम कहते हैं, पिथे सिलेबियम है, नीम है, एजेडिरेक्टा है, पेपल है, फाइकस रिलीजियोसा, अर्जुन है, टर्मिनेलिया अर्जुना, इमली है, टेमरेंडस इंडिका, मूंगा मोरिंगा जिसको हम कहते हैं, आमला है, फाइलेंथस, आम मैंगीफेरा, और गुलमोहर डेलोनिक्स। तो ये उसका काम करते हैं, प्रदूषण को रोकने का काम, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। इसके अलावा कुछ पौधे ऐसे हैं जो एस्थेटिक ब्यूटी के लिए लगाए जाते हैं, जैसे जैकरेंडा है,
जिसको हम नील मोहर कहते हैं, यहाँ डेलोनिक्स है, गुलमोहर है, यहाँ खाजिया है, अमलताज जिसको हम कहते हैं, लेजरोस्ट्रोमिया, आप नैनीताल आई है स्टेट बैंक के सामने है लेजरोस्ट्रोमिया, पूरा जो ट्री है वो आपका फूलों से भर जाता है। सिमल है, बॉम्बेक्सीबा है जिसको हम कहते हैं, पलास है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, कचनार है, बोहिनिया, और इसके अलावा पारिजात है, इथाइरिना वेरिगेटा जिसको हम कहते हैं, बॉटल ब्रश है, कैरिसमोम लेंसियोलाटा, बॉटल ब्रश की तरह नीचे को झुका हुआ होता है, रेड रेड रंग का फ्लावर होता है, बहुत प्यारा सा खूबसूरत ये आपको दिखाई देता है। अशोक है, पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया है, ये एस्थेटिक यूज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब जो दो हमारी प्रमुख हिंदू सनातन धर्म की दो प्रमुख पुस्तकें हैं, रामायण और भागवत गीता, तो रामायण में 89 पौधों का जिक्र है, और ये जिक्र चाहे राम जब विश्वामित्र के साथ गए थे जहां उन्होंने ताड़िका को मारा था, या पंचवटी है जहां माता सीता रही, तो वो उनमें भी खासियतें उन पौधों की हैं देखिए, और वो संजीवनी बूटी की बात भी करते हैं देखिए, संजीवनी बूटी यानी कि जो द्रोण पर्वत से भगवान श्री हनुमान लेकर रहा है, तो ये दिखा रहा है विरासत कितनी महत्वपूर्ण है देखिए। तो इन रामायण में जैसे मैंने बताया कि 89 पौधों का जिक्र किया गया है, इसमें अग्निमुख है, सेमिकार्पस जिसको हम कहते हैं, इसका जिक्र किया गया है रामायण में, ये हिमालय में पाई जाती है। अर्जुन जो है, अर्जुन टर्मिनेलिया अर्जुना जो है वो किष्किंधा कांड में इसका जिक्र किया गया है, पंपा लेक में इसे किया गया, अफ्रीका इंडो मलेशियन इंडिया में भी मिलता है। अशोका जो है सरेका जिसको हम कहते हैं किष्किंधा कांड में इसका जिक्र है, ये कल्टिवेटेड है इंडिया में। चंदन जो है सेंटेलम, चंदन तो बहुत ही कहूंगा कि बहुत बहुत ही यूजफुल है चंदन घिसकर, चाहे हम बनारस के भोलेनाथ की बात करें या महामृत्युंजय की बात करें जागेश्वर की, हर जगह चंदन की प्राथमिकता है। तो सेंटेलम एल्बम है, अरवा अर्वखंड में इसका जिक्र है, पंचवटी में इसका जिक्र किया गया है, ये थोड़ा गर्म जगह में होता है। इसके अलावा देवदारू जिसको हम सिड्रस देवदारा कहते हैं, तो इसको भी बड़ा पवित्र माना गया है, ये इंडियन हिमालयस में मिलता है। धन्य जो है वो मिसोनोप्सिस है, ये इसका जिक्र भी रामायण में किया गया है। इसके अलावा धाव जो है एनोजिनस जिसको हम कहते हैं वो भी यहाँ मिलता है। जम्बी का जिक्र भी किया गया, जम्बू का जिसको हम साइजाजियम कहते हैं, लॉन्ग की फैमिली है, लॉन्ग साइजाजियम क्यूमिनी इसका जिक्र किया गया। तो ये कुल 89 पौधे हैं जिनमें मैंने कुछ आपको मेंशन करके बताया। इसके अलावा महाभारत में भी पौधों का जिक्र है, महाभारत में भी जिक्र है, और भगवत गीता में तो 84 लाख योनियों की बात करी गई है। 84 लाख योनियों का मतलब 84 लाख प्रकार की विभिन्न प्रजातियां इस विश्व में, इस जगत में, इस पृथ्वी में रहती हैं। तभी तो कहा ना 84 लाख योनियों के बाद इंसान का जन्म मिलता है, तो ये भगवत गीता की फिलोसफी है। तो जो हमारे महाभारत है उसमें भी पौधों का जिक्र है, उसमें देखिए आम्रतक का जिक्र है, स्पॉन्डियास जिसको हम कहते हैं, एरिमेदा का जिक्र है, कैशिया जिसको हम कहते हैं, अशोका का सर सरेका अशोका जिसको हम कहते हैं, अति मुस्तक हिप्टेस जिसको हम कहते हैं वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा सीरीस एल्बिजिया का जिक्र किया गया है महाभारत में, तिलका का वाइटेक्स जिसको हम वाइटेक्स एलिजिटमा कहते हैं वो भी जिक्र में आया है, उदालक कॉर्डिया मोक्सा उसका भी जिक्र है, और वंजूल सरेका अशोका जिसको हम कहते हैं उसका भी जिक्र इसमें किया गया है। तो ये जो स्पीसीज की बात हम कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं रामायण की बात कर रहे हैं या भगवत गीता की बात कर रहे हैं, उसमें 89 स्पीसीज में रक्त चंदन, चंदन, साल, देवदार, ढाक, पीपल, नकेश्वर, मंगो, आम जिसको हम कहते हैं, अशोक सीता अशोक अलग है और अशोक अलग है, पारिजात है, अगरलोद है, ये रामायण में इनका उल्लेख किया गया है, और ये इनकी धार्मिक पक्ष के साथ साथ हमारी जो विरासत है उसको भी दिखाई देता है। और जैसा मैंने पहले बताया कि भगवत गीता में 8.54 मिलियन यानी कि 84 लाख यूनियन की बात की गई है, उसमें वेडो कैनाबिस सेंट्रल जो वेदों में भी जिक्र है, देखिए कई पौधों का जिक्र है, कैनाबिस का जिक्र है जिसको हम कहते हैं ना, जिसे हम भांग कहते हैं, जिसको हम भांग का नमक और चटनी तो उत्तराखंड से फेमस है, पर्टिकुलरली कुमाऊं की चटनी भांग की बड़ी फेमस मानी गई है। चंदन का बड़ा उपयोग माना गया है, ये वेद में लिखा गया है, जासमीन का, नीम का और तुलसी का, तो ये वो तमाम पौधे हैं जिसमें जो दिखाते हैं कि हम पौधों के लिए क्या कर रहे हैं, हम अन्य जीवधारियों के लिए क्या कर रहे हैं, ये हमारी विरासत भी कह रही है, हमारा धार्मिक पक्ष भी कह रहा है।
तो उनके संरक्षण के प्रति हमको सचेत होना पड़ेगा और उस संरक्षण की तरफ हमारे अपने कदम बढ़ाने होंगे, ताकि हम अपनी मॉरलिटी में, अपने इथिक्स में इस बात को ले आए कि प्रकृति तुम महान हो, तुम्हें हमारा नमन है, तुम्हें हमारा नमस्कार है। लेकिन हम उस नमस्कार को सिर्फ हाथों से नमस्कार नहीं कर सकते हैं, उसको कुछ क्रियान्वित करके कर सकते हैं। मैं फिर उस बात को रिपीट करना चाहूंगा कि अगर हमने अपने, जैसे कहते हैं ना, अपने सांसों का कर्ज निभाएं, एक वृक्ष अवश्य लगाएं, तो मैं इस बात को थोड़ा सा मॉडिफाई करके कहता हूं कि हर जन्मदिन पर अगर हम पेड़ प्रजाति का पौधा लगाने में कारगर हुए, तब भी 80 से 90 साल जो हमारी औसत आयु है, एज है, उस पर लगाए गए 80 या 90 पौधे हमको इस जीवन के, प्रकृति ने जो हमको दिया है, जो हमारा जीवन दिया है, उसके प्रति हम, अब मुझे लगता है कि हम उसका ऋण नहीं चुका पाएंगे। उसके प्रति हमारी सच्ची जो प्रेरणा होगी, या सच्ची जो हमारा धन्यवाद होगा, अभिनंदन होगा, वो ये होगा कि हम हमेशा पॉजिटिविटी के साथ इन इन तमाम पर्यावरणीय विषयों को अपने संस्कारों में शामिल करें, अपने आदतों में शामिल करें, और यही इथिकल इन्वायरमेंटल है, यही इन्वायरमेंटल इथिक्स है। और ये जब आ जाएगा तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि पूरा विश्व जिस गति से विकासवाद की तरफ बढ़ रहा है, उसमें पर्यावरण जैसे विषय निम्न हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति, हर देश का नागरिक, हर विश्व का नागरिक इसके प्रति संचेत होगा। तो धन्यवाद आपका, आपने मुझे सुना।